अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। राजपीत जी, आप जो अब दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे विशेष आपके जिन पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो विशेष मुद्दा है वो लोकसभा का यही है कि उस लोकसभा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि आप खुद भी उस लोकसभा में जाके देखिए, वो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा, भारत का एक ऐसा गांव है सुदूर में, ठीक है, जिसमें बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। जैसे पहले गाँव में होता था, लोग खड्डों में बीच में से चलते थे, जिसको पगडंडी बोलते थे। मैं भी गाँव में रहा हूँ, देखा हूँ, ठीक है, नाले पानी के बहरे हो, बारिश के दिनों में बारिश आ रही है, लोग उसको पार करके जा रहे हैं। वो स्थिति उत्तर पूर्वी लोकसभा की या पूरी जमुना पार की इन्होंने कर रखी है। वहाँ पे सड़कों में 6-6 फीट, 3-3 फीट गड्ढे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं कि जो भी ये लोग अगली बार जाएंगे अपनी जमानत वहाँ पे जब्त करवा के आएंगे। केजरीवाल वगैरह बोलते हैं कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत विकास करा है और पानी दिया है, बिजली दी है, तो इसके बारे में इस मुद्दों से आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या वाकई में दिल्ली में इतना कार्य करा है उन्होंने, जिन मुद्दों के आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्य नहीं करा है? केजरीवाल जी जो कहते हैं, उन्होंने शिक्षा जो बात कर रहे हैं वो जो उसमें स्कूल में बाहर से कहीं से फर्नीचर लाके रख देना शिक्षा का स्तर उठाना नहीं होता है। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आपको अच्छे शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी, आपको स्कूल के बच्चों का जो है, आपको ब्रेन जो है वो इस लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा। स्कूलों में फर्नीचर से बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता है बिना मास्टर के। वहाँ पे टीचर्स की कमी है, मास्टर स्कूल में नहीं है। जो पुराने ढर्रे से जैसे स्कूलें चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। स्कूलों के बाहर इन्होंने जरूर पेंट कराया, अंदर दीवारों पे पेंट भी नहीं हो रखा है। जहाँ तक बात करते हैं स्वास्थ्य की, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए हैं। पहली बात तो मोस्टली मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने ऐसी जगह बनाए हैं कि वहाँ पर अगर कोई आदमी, स्वस्थ आदमी अगर किसी बीमार को लेकर जाएगा तो दोनों बीमार होकर वापस आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।